आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राघव, आम आदमी को तो आपकी पार्टी से बहुत उम्मीदें थी, आपने उसे ही बेवकूफ बना दिया। देखिए रोमाना जी, शुरुआत में ही मैं बोलना चाहूंगा, मेरे को आपत्ति है जो आपने इतना नेगेटिव पैकेज अभी दिखाया है। हमने बिल्कुल भी, आपने जो दर्शाया है ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी जैसे ही सत्ता में आई, उसने बिजली के मुद्दे को उठाया, 5 दिन में बिजली कंपनियों का ऑडिट जारी करा, रेट कम करे, जो जो डिफॉल्टर्स थे हमारे बिजली आंदोलन के दौरान, उनकी उनको राहत पहुंचाने के लिए प्रक्रिया शुरू करी। अब क्योंकि सरकार से हमें हटा दिया गया है और बीजेपी और कांग्रेस के लोग, एक सेकंड, आपको आपत्ति है, मुझे भी आपत्ति है, आपको किसी ने सरकार से नहीं हटाया, आपने खुद शहादत का तमगा अपने गले में डाला, क्यों? आप उसको ये समझ लें, आप ऐसा समझ लें कि हमारे जन लोकपाल बिल जो हमारा मेन मुद्दा था, उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफीट कर दिया गया। मतलब बिजली का मुद्दा जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जिसके बूते पर आपने दिल्ली की गद्दी हथियाई, वो आपके लिए मुद्दा ही नहीं बचा। ऐसा नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। जब हमने, आप मुझे बता दीजिए, आपने विधानसभा से प्रस्ताव पास क्यों नहीं कराया? जी विधानसभा में, मैं आप मेरी पूरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूं। हमने जनवरी के महीने में ही, जनवरी से लेके 31 मार्च तक का जो प्रोविजन होता है उसे पास कराया, कैबिनेट से अप्रूव कराया, और उतनी जो 201 करोड़ की सब्सिडी थी उसे पास करवाया। अब उसके बाद जो 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, जो 1 अप्रैल से सितंबर तक का जो एक और 6 महीने की राहत का पैकेज था, वो पावर सेक्रेटरी को दे दिया गया, उनको बकायदा पावर डिपार्टमेंट के पास उसका नोटिस दिया गया। अगर अब उस नोटिस को यूपीए सरकार जब वोट ऑफ अकाउंट पास करती है उसमें नहीं इंक्लूड किया गया, तो उसमें आम आदमी पार्टी की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल राघव जी, असल में दो मुद्दे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर। वो जो 24,000 लोग थे जो डिफॉल्टर्स बने हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें उकसाया कि आप बिजली का बिल ना भरो, उनके बारे में वो जो 31 मार्च तक आप अप्रोप्रिएशन बिल लाए, उसका तो कहीं जिक्र नहीं है। मैं उस पर भी आ जाता हूँ। देखिए अब क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल देखिए हम नहीं लाए, अप्रोप्रिएशन बिल तो वोट ऑफ अकाउंट में अभी यूपीए सरकार ने पारित किया, अमेंडेड अप्रोप्रिएशन बिल, वो हमारा अप्रोप्रिएशन बिल नहीं है। दूसरी, पर आपके कैबिनेट में भी उसका जिक्र नहीं है। राहत पहुंचाने की बात थी जिनकी आप बात कर रहे हैं, अक्टूबर, हमने, मेरी बात सुनिए, जो कंज्यूमर, जो 24,000 कंज्यूमर का आपका पैकेज भी बता रहा था, अक्टूबर से लेके अप्रैल 2013 तक जो कंज्यूमर, अक्टूबर 12 से अप्रैल 2013 तक जो परपेचुअल डिफॉल्टर्स नहीं है, जिन्होंने केवल और केवल बिजली आंदोलन के द्वारा जिनको ठगा जा रहा था, जिनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, जिनका शोषण करा जा रहा था, मैं उदाहरण भी दूंगा आपको अभी उसका, उन व्यक्तियों ने, जिन लोगों ने बिल अपना पे करना बंद कर दिया था, उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हमने बिल्कुल कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करा। अब वो जाके हाईकोर्ट में रुक गया, हाईकोर्ट ने उस पर टेम्परेरी आपने उस बारे में भी विधानसभा में कोई कदम उठाया? और जो बात आप कह रहे हैं कि जो परपेचुअल डिफॉल्टर्स नहीं है जिनके साथ धोखा हो रहा था, कौन सा मैकेनिज्म? नहीं राघव, चलिए हम तर्क पर बात कर रहे हैं, कौन सा मैकेनिज्म आप लोगों ने इस्तेमाल किया जिससे ये पता चला कि वो गलत थे बिल? कौन सा मैकेनिज्म आप लोगों ने इस्तेमाल किया? बिल्कुल मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ, क्या मैकेनिज्म ये किया गया। हमने, पहली बात है, उन लोगों को केवल वो किया गया है जिनको राहत दी गई है, जो परपेचुअल डिफॉल्टर्स नहीं है, जो फर्स्ट टाइम डिफॉल्टर्स हैं, और जिन्होंने केवल अक्टूबर से अप्रैल के महीनों के बीच में, अक्टूबर 12 से अप्रैल 13 के महीनों के बीच में अपना बिल देना बंद करा था बिजली आंदोलन जो हुआ था उसके तहत, तो केवल उन्हीं को ही स्क्रूटनाइज करके उन्हीं को ही राहत दी गई है। विवेक नारायण शर्मा जो वकील है इस पूरे मामले में, जिन्होंने पीआईएल दाखिल की है इस मामले में, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विवेक, राघव तो कह रहे हैं बड़ा सीधा सा मामला था, फिर आपने क्यों पीआईएल दाखिल कर दिया और अब हाईकोर्ट ने तो स्टे भी लगा दिया है। क्षमा कीजिए, मेरा राघव से प्रश्न है कि ये दिल्ली के बाकी लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? केवल 24,000 ही लोग रहते हैं क्या दिल्ली में? क्या बिल बाकी सब लोगों के लिए महंगे नहीं थे? जी राघव, मतलब राजनीति के अंदर आप एक गलत चलन को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? आप रोमाना जी, मैं अब अपनी बात रखता हूँ। पहली बात है, ये कोई राजनीति में पहली बारी नहीं हो रहा है कि किसी सरकार ने बिजली के बिलों को काट दिया, बिजली के बिलों को राहत पहुंचाई हो और उनको वेव ऑफ कर दिया हो। इसी पिछले ही साल जुलाई 13 के महीने में मध्य प्रदेश सरकार के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 50,000 बिजली कनेक्शन का वेवर दे दिया था। क्यों दे दिया था? बल्कि वो तो
इलेक्शन होने से चार महीने पहले वेवर दे दिया उन्होंने, वो तो बेसिकली वोट सॉलिसिट करने के लिए वेवर दे दिया गया। तो ये राजनीति में कोई पहली बारी नहीं हो रहा है। और आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी ने कोई ब्लैंकेट वेवर नहीं दिया, हमने कोई वोट सॉलिसिट करने के लिए ये नहीं बोला कि दिल्ली के हर व्यक्ति को हम उसका बिल माफ कर देंगे, केवल उस व्यक्ति का जिसका शोषण हो रहा है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये समझना जरूरी है। बार बार जो लोगों का शोषण नहीं हो रहा था, और ये बार बार बाकी राजनीतिक पार्टियों के बारे में क्यों बात करते हैं? जब ये कहते हैं कि हम बाकी सबसे अलग हैं, तो अपने एग्जांपल्स में ये यूं क्यों कहते हैं कि किसी और पार्टी ने क्या किया, किसी और स्टेट में क्या हुआ, हिंदुस्तान में पहले क्या चल रहा था? रोमाना जी कह रही थी इन लोगों को वोट पहली बार रोमाना जी नहीं, बात आप मेरी बात में बताइए, क्योंकि आप तो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और आपकी पार्टी तो ये दावा करती है कि अभी तक जो कुछ भी चलता है हम उससे हटकर एक अपनी अलग लकीर खींचेंगे, अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। तो इसलिए कृपया करके आप मुझ पर ये आरोप मत लगाइए कि मेरे बहकावे में आकर आप दूसरी पार्टियों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल आप बार बार जिस तबके की बात कर रहे हैं, 24,000 ना हो रोमाना जी, आपके उकसावे में आकर दिल नहीं भरा, जवाब दे रहा हूं उनकी हालत में आपको दिखाना चाहती हूँ। राघव एक सेकंड, पहले मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ दर्शकों को, दिखा देते हैं आपको, दिल्ली के ऐसे लोगों से आपको मिलवा देते हैं, केजरीवाल की बिजली सियासत के हिस्सेदार बने ये। संगम विहार के इलाके में जब न्यूज 24 की टीम पड़ताल करने पहुंची, पता ये चला कि जिन घरों के बिजली कनेक्शन खुद अरविंद केजरीवाल ने जोड़े थे, वो लोग अपने हाथ में बढ़ा हुआ बिल लेकर आज तक घूम रहे हैं। अरविंद की सियासी आंधी ने संगम विहार के इन लोगों को एक विश्वास दिया था, भरोसा दिया था, हौसले की कश्ती पर सवार किया था, उम्मीद थी किनारा मिलेगा। सो इन लोगों ने एक बड़ा फैसला कर लिया कि बिजली के बिल नहीं भरेंगे, पर विश्वास का सिला क्या मिला? ये संगम विहार के ललन मिश्रा है। ललन उसी जमात में शामिल थे जो अरविंद के वादों की हवा में बह गए। पेशे से डीटीए के सरकारी कर्मचारी ललन बस एक आवाज पर बिजली बिल ना भरने की केजरीवाल की मुहिम में शामिल हो गए, बिजली आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन आज तक कोई पूछने वाला नहीं है, हाथ में कागज के वो चंद टुकड़े हैं और किश्तों में जिंदगी कट रही है। बिल वैसे ही रहा, हालात वैसे ही रहे, अब न तो अरविंद केजरीवाल आते हैं न उनकी पार्टी के लोग, बस दर्द है, गम है, गुस्सा है। केजरीवाल जी ने केवल अपना झूठा वादा करके चले गए। हम लोगों को तो उम्मीद जो था ये खत्म हो गया, अब केजरीवाल जी से ऐसा कोई उम्मीद नहीं है, हम लोगों के लिए तो कुछ हुआ नहीं। और बिजली का 6,000 का कर्जा ऊपर से हो गया। साल 2012 के बिजली आंदोलन के दौरान दिल्ली में जगह जगह आम आदमी पार्टी के कैंप लगे, इसी बीच संगम विहार में भी एक कैंप लगा। ललन ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और कूद पड़े केजरीवाल के आंदोलन। केजरीवाल की बात को ब्रह्मा की लकीर मान ली, बिजली का बिल उनके भरोसे छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि एक दिन केजरीवाल सत्ता में आएंगे और राहत का पैगाम लाएंगे। सरकार बनी, वक्त बीतता गया, कुछ नहीं हुआ। अब उस दिन को कोसते हैं जब राजनीति की रवायतों को सच समझने की भूल कर बैठे। ये तो इनके झूठे वादा में फंस के हम बिजली का बिल नहीं जमा किए, हम अपने आप को ये महसूस कर रहे कि हम क्यों इनके चक्कर में। हमने दिल्ली के संगम विहार में पूरे इलाके को टटोला। ललन मिश्रा अकेले नहीं थे, इस मिशन में उनके आस पड़ोस के लोग भी शामिल थे। पड़ोसी भवन छोटा मोटा कारोबार चलाते हैं, दिल्ली के एक आम आदमी हैं। इसीलिए उम्मीद थी कि आम आदमी की सरकार आएगी तो सिस्टम बदल जाएगा। इनकी हालत भी अपने पड़ोसी ललन जैसी ही है, इन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के कहने पर घर का बिजली बिल नहीं भरा था। कितने दिनों से बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं? करीबन 6 महीने से, जब से केजरीवाल जी का मतलब ये आया कि मैंने बिल नहीं भरना है तब से नहीं दे रहे। भवन के घर का बिजली बिल दिन ब दिन बढ़ता गया,
समझ नहीं पा रहे कि अब क्या किया जाए। कोई ये भी बताने वाला नहीं कि केजरीवाल की पूर्व सरकार ने फैसला भी किया था या नहीं। हैरान है ये सोचकर कि कैसे एक सरकार आंधी तूफान की तरह आई और चली गई। अब सियासत से मिले वो घाव हैं जिन्हें सहला कर जिंदगी गुजरती है। आपको लगता है कि अब कुछ माफ हो पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा, कोई अब मतलब सर्वे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। उनके कार्यकर्ता जो है उन्हीं को शायद चूज किया हो गया होगा, और तो कोई नहीं है। अगर ऐसा होता, हम लोगों को माफ किया होता, तब तो हम लोगों के पास में कोई एप्लीकेशन आता, कोई नोटिस आता या कोई सर्वे करने के लिए आता। संगम बिहार उन्हीं इलाकों में से एक है जहां अरविंद केजरीवाल ने खुद जाकर बिजली के कनेक्शन जोड़े थे, वो कनेक्शन जिन्हें डिपार्टमेंट ने काट दिया था। उन दिनों इलाके में खुशी थी, केजरीवाल की जय जयकार हो रही थी, लगा था जैसे जादू की एक छड़ी घूमेगी और सारी तकलीफ छूमंतर हो जाएगी। दिल्ली की तंग गलियों में जेजर क्लस्टर कॉलोनी में अरविंद केजरीवाल गए और सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने का सीधा कनेक्शन निकाला। वो कनेक्शन था बिजली। यहाँ लोगों के साथ उन्होंने इस बात की अपील की कि अपने अपने बिजली के बिल ना भरो और कनेक्शन काटा। लोगों ने ऐसा किया भी और उनके आश्वासन पर बिजली के बिल भी नहीं भरे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहानी ढाक के तीन पात वाली। आश्वासनों से कहीं बिजली का बिल भरता है और आज की स्थिति ये है कि लोग अपने ब्याज देकर, लोग पैसे फ्रिज और टीवी बेचकर बिजली का बिल चुका रहे हैं। ठीक ही कहते हैं, ये सियासत है अपनी रवायत से मजबूर है और ये आम आदमी है हकीकत से कितना दूर है, शायद इसीलिए वो मजबूर है। थोड़ी देर में आपको ले चलेंगे उस इलाके में जहां लोगों ने एक बिल चुकाने के लिए कर्ज तक ले लिया। थोड़ी देर में खुद केजरीवाल ये हिसाब देंगे कि पूरा न हो पाने वाला वादा उन्होंने क्यों कर दिया। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वादा खिलाफी करने वाली सियासत से जवाब मांगना जरूरी है। जी, तो एक तरफ दिल्ली का ये दर्द है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के वादे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा लगातार इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं और जितनी बातें उन्होंने कही हैं, वादों में कितना दम, इसकी तस्दीक करने के लिए उमेश सहगल जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजीव ककड़िया जी मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही वरिष्ठ वकील विवेक नारायण शर्मा हमारे साथ लगातार इस खास पेशकश में मौजूद हैं।